दिस इज क्वेश्चन नंबर एट जो कि क्लास नाइन्थ एन सी आर टी मोशन चैप्टर से लिया गया है इस क्वेश्चन हमें क्या बोला गया कि हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ठीक है और हमें बोला गया कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट फोर सेकेंड्स शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड तो हमें क्या करना है हमें बताने की फर्स्ट फोर सेकेंड्स में कितना ट्रैवल किया कार ने और हमें वो एरिया को शेड करना है सेकंड पार्ट में हमें पता है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार तो हमें पता है कि अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया है हमें दिया है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है जो एरिया अंडर द कर्व होगा हमारा वो क्या होगा हमें डिस्टेंस दे देगा तो स्पीड वर्सेज़ टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखें तो एरिया अंडर द कर्व हमें दे देगा डिस्टेंस और वो क्या डिस्टेंस दे देगा कितना उसने ट्रैवल किया एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस डिस्टेंस ठीक है तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कितने के लिए निकालना है फर्स्ट फोर सेकेंड्स के लिए निकालना है तो फर्स्ट फोर सेकेंड्स के लिए हम देख लेते हैं कितना एरिया आएगा हमारा कर्व के अंदर तो हम उसको शेड कर देते हैं वो हो गया हमारा फर्स्ट फोर सेकेंड्स के लिए हमारा ये आ गया ठीक है ये हो गया फर्स्ट फोर सेकेंड पे अगर हम पे एक लाइन प्लॉट कर दें ये हो गया हमारा फर्स्ट फोर सेकेंड्स पे ठीक है ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा फ़र्स्ट फोर सेकेंड्स के लिए आ जाएगा अब हमें क्या बोला गया हमें निकालना है इसका एरिया ठीक है तो हमारा जो वाई एक्सिस पे है वो कितना है वो स्पीड है स्पीड कितना है उस टाइम पे फोर सेकेंड्स पे स्पीड हमारी है सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है और हमारा जो एक्स एक्सिस पे है टाइम वो कितना है उस टाइम पे फोर है तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का अगर हम आंसर देखें तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट इज एरिया इज हाफ इंटू ये ट्राइंगल का फॉर्म हो रहा है तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ इंटू फोर जो कि हमारा टाइम पे है ठीक है ये हमारा हो गया फोर और ये हमारा हो गया सिक्स तो इंटू सिक्स तो ये कितना आ जाएगा हमारा जो एरिया आ जाएगा एरिया अंडर तक का वो आ जाएगा ट्वेल्व तो अगर ट्वेल्व हमारा मीटर्स आया है तो ट्वेल्व मीटर्स उसने कवर किया है इतना डिस्टेंस उसने कवर किया कितनी देर में फोर सेकेंड्स में उसने कवर किया है ठीक है सेकेंड पार्ट में बोला गया पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन देखें तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स से लेके एक्स इज इक्वल टू टेन तक कोई स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्स इज इक्वल टू टेन से लेके एक्स इज इक्वल टू तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू सिक्स से लेके x इज इक्वल टू टेन सेकेंड्स तक नो चेंज इन स्पीड ठीक है यहाँ पे कोई चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा है तो अगर नो चेंज इन स्पीड है तो वो हमारा क्या शो करता है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा तो यहाँ पे नो चेंज इन स्पीड तो हम इसको मार्क कर देते हैं x इज ईक्ल टू टेन से x इज ईक्ल टू सिक्स अगर हम देखें तो ये हमारा होगा x इज इक्वल टू सिक्स से लेके x एक्स इज इक्वल टू टेन ये जो लाइन दिख रही है सिक्स से टेन तक जाती हुई ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करता है